Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के विवादित बयान के बाद अब उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन इस विवादित बयान के बाद सियासी पारा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर की विवादित टिप्पणी से किनारा कर लिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी कहा कि इस प्रकार के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी का रास्ता है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो निर्णय लेगी वो सभी को मानना होगा। हमने शो कॉज नोटिस दिया है। मैंने कल बयान रात को इशू किया है और वो आपने पढ़ लिया कि इस प्रकार के बयान जो हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का राशा, तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सर, पीसीसी चीफ होने के नाते क्या आप कार्रवाई करेंगे? हमने तो शो कॉज नोटिस दे ही दिया ना, वो हमने शो कॉज नोटिस दे दिया उन्हें। सर, नेता बहुत पहले दे दिया था। नेता प्रतिपक्ष उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का, कि जब वो माफी मांग चुके तो उन पर कार्रवाई नहीं की है। बात ये है कि एक दफा कोई बयान आ जाए उस पर कार्रवाई पुलिस ने करी है, उसके बाद कार्रवाई के बाद जो वो कहना चाहे, जो वो अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहे वो दें। सर, बीजेपी कह रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ क्या कहते हैं, उनको पार्टी से निकालेंगे। बीजेपी की बात छोड़िए, बीजेपी के ये टुच्चे वालों को मैं जवाब नहीं देता। कमलनाथ के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ को स्पष्टीकरण नहीं कार्रवाई करनी चाहिए, माफी मांगने या निंदा करने से कुछ नहीं होगा। सर, कांग्रेस लेकिन पल्ला झाड़ रही उनके इस बयान से, और कल कमलनाथ ने भी पल्ला झाड़ने से नहीं होता है, नहीं निंदा, उन्हें सशर्त निंदा की है। अगर ये है तो ये क्या होता है तो वो कह रहे थे कि आई मीन, मेरा मतलब है हत्या से, मेरा मतलब है हार जाए। मैंने उनका भी वीडियो पढ़ा था। अब शब्द कोश के किस शब्द में हत्या का मतलब हारना होता है बताएं? मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब चुनाव। किसी हिंदी के शब्द कोश में ये शब्द है कि हत्या का मतलब हराना होता है? अब ये जिस तरह से कमलनाथ जी हैं, ये सब अब ढांकने की कोशिश कर रहे हैं, ये निंदनीय करते हैं इस तरह का बात करना। आपको लगता है कांग्रेस को भी माफी मांगनी चाहिए? नहीं, माफी मांगने से काम नहीं चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए कांग्रेस को। कमलनाथ जी स्पष्टीकरण देने से अच्छा कार्रवाई करते तो शायद उनकी साख बनती। दरअसल कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन इस मामले पर सियासत गर्मा गई है और बीजेपी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की मंशा ऐसे ही सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।